भोपाल में नहीं रख रहा अपराध, गांजा तस्करों पर लगाम लगाने के बावजूद भी नहीं आ रहे या बाज। बता दें कि भोपाल में लगातार गांजा तस्करों पर क्राइम ब्रांच लगाम लगाने के लिए गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने 3 पुरुष और 1 महिला को लगभग 25 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। गांजा की कीमत पूरे 5 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड में 1 महिला और 3 पुरुष खड़े हैं, जिनके पास 1 पोटली और 1 बैग है, इसमें गांजा हो सकता है। सूचना मिलते ही वर्ष अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया और उसे टीम ने आरोपी को धर दबोचा। पूछताछ के क्रम में अपराधियों ने बताया कि वह गांजा उड़ीसा से लेकर भोपाल में बेचने की फिराक में थे। बहरहाल इस मामले में छानबीन की जा रही है। अंदेशा है कि इस मामले में और भी अधिकारियों की गिरफ्तारी की जा सकती है। सरदाना क्राइम ब्रांच भोपाल द्वारा सर 25 किलो गांजा तस्कर को सर गिरफ्तार किया। सर क्या है पूरा मामला, किस टाइप से वारदात को अंजाम देते थे, कौन कौन थे शामिल उसमें? जी हाँ, पुलिस कमिश्नर भोपाल श्री हरि नारायण चारी मिश्र द्वारा अवैध मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ अभियान स्तर पर कार्रवाई करने के लिए क्राइम ब्रांच को निर्देशित किया गया है। इन निर्देशों को गंभीरता से लेते हुए क्राइम ब्रांच के DCP श्री अखिल पटेल सर द्वारा पूरे क्राइम ब्रांच को सक्रिय किया गया है और इस संबंध में जो है पूरे भोपाल में लगातार अवैध मादक पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। क्राइम ब्रांच भोपाल को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 महिला एवं पुरुष सेंट्रल लाइब्रेरी परिसर में अपने पोजेशन में अवैध मादक पदार्थ गांजा बड़ी भारी मात्रा में रखे हुए हैं और किसी बाहरी तस्कर को देने वाले हैं। इस सूचना से DCP श्री अखिल पटेल सर को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा प्लानिंग की गई। प्लानिंग करके 2 टीमें इसमें रेड करने के लिए तैयार की गई थी, जिनके द्वारा सेंट्रल लाइब्रेरी में दबिश देके और 1 महिला और 3 अन्य पुरुषों को रंगे हाथों गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। सर्च करने पे आरोपियों के पास से 25 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त हुआ है और इस संबंध में अपराध पंजीबद्ध करके विधिवत कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों का रिमांड लेके उनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है कि वो कहाँ से ये गांजा लेके आए थे और यहाँ किसको भोपाल में वो देने वाले थे। प्रारंभिक पूछताछ में ये पता चला है कि ये जो गांजा जब्त हुआ है ये उनके द्वारा ट्रेन के रूट से उड़ीसा से लाना उनके द्वारा बताया गया है। पकड़े गए आरोपियों के पूर्व क्रिमिनल रिकॉर्ड के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की जा रही है। सर लगभग कितने का माल पकड़ा है सर? ये लगभग 2.5